अभी पाव को समझ ही नहीं आ रहा अभी। हल्की हल्की लाओ हिसाब से यार। तगड़ी भाग रही है, अच्छी भाग रही है कह रहा हूँ। एक टाइम के लिए ना दिमाग खराब हो गया था कि चार्जर सही भी है कि नहीं, पता लगे खराब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई आज है संडे और फाइनली अपने स्कूटी की है जो वो डिलीवरी हो चुकी है, मतलब वहाँ जो शोरूम है वहाँ पे, और अब हम लेके आएंगे स्कूटी को। फोन आ गया था कल, तो कल शाम के टाइम आया था, दिन के शाम के, तो हमने कहा संडे को लेके आते हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत प्रभु का नाम लेके, जय श्री राम। तो चलो। सो भाई हेलमेट यहाँ पे पड़ा था हमारा, इसके अंदर बहुत टाइम से यूज़ तो हुआ नहीं है, देखो कैसे और का। अब इसकी सफाई करते हैं, इसको लेके चलते हैं, पहन के लाएंगे ना। हमने वहाँ से लिया नहीं अलग से हेलमेट, क्योंकि हम पे दो दो पड़े हैं। हाँ सेम था वैसे। सो पहली बार की तरह हम तो जाएंगे ई रिक्शा में और पापा आएंगे साइकिल में। तो मैं कह रहा हूँ पापा को साइकिल में हेलमेट पहन के आ जाना, बाद में हम स्कूटी चला टाइम पहन लेंगे, ठीक है? चले हम जाओ महाराज जाओ। हाँ चलो पापा आते रहेंगे, हम चलते हैं ना, पापा अपना भी चले ही। तो अपना झज्जर है तो शहर पर गाँव वाला फील आ जाता है पूरा, देखो ये चीज़ है ना। बाकी मैं शोरूम का टाइम 9:30 बजे है खुलने का, हम 9:20 पे निकल चुके हैं घर से। अब देखते हैं, 9:30 कह तो रखे फोन में खुल जाएगा, हम मेरे टाइम पे ले आएंगे ना, बाद में भीड़ हो जाएगी ज़्यादा है। तो भाई लगता है शोरूम खुलने से पहले पहुंच जाएंगे हम, बाकी बैठ चुके रिक्शे में निकलते हैं अब। तो फाइनली पहुंच गए भाई शोरूम, पापा पहले आ गए थे बट जो शोरूम है वो देखो हम ज़्यादा ही जल्दी आ गए। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो गई? तो भाई यहाँ पे भाई भी ओला के शोरूम वाले भाई भी आ गए हैं, शटर ओपन। तो भाई टाइम पे आया यार हम, अभी शटर खुली रहे तो पहले ग्राहक हम ही हैं जो अपने लेंगे ओला। एक्टिवा याद आ रही है, तो एक्टिवा ही निकलता मुँह से स्कूटी में। तो S1 Pro है, हाँ ये टच वाली है बिना चाबी, ये अलग। भाई बहुत सी स्कूटी आ रही है नहीं देख सकते आप ओला की, तो सब ने अपने अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेनी होगी आज, हमारी वाली कौन सी ये नहीं पता, बाकी भैया ही बताएंगे अभी। तो भाई हमने जो कलर छाटा है वो है ये वाला, या तो ये वाली है या ये वाली है, ग्रे कलर है बाकी जो भी है। वाइट हमको यार पसंद नहीं आया इतना, क्योंकि तो ये कलर थोड़ा प्यारा लग रहा था एक ही कलर में मिले। बाकी ब्लैक में है एक, ये S1 Pro है, इसमें ब्लैक में थी भी नहीं, मम्मी को पसंद भी नहीं है ब्लैक कलर कह दी, तो हमने कहा ग्रे ही बेस्ट है फिर तो सदा बाहर कलर। बाकी भाई दुकान के ओनर के आने से पहले हम अंदर हैं दुकान में, तीनों जने बस, बाकी कोई भी नहीं है। तो भी बैठ जाते हैं 10-15 मिनट अभी, उसके बाद लेंगे डिलीवरी। बाकी और लोग अभी सोच लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-10 स्कूटी आ चुकी है भाई, मतलब सही है। दी ग्रे, 3 सफ़ेद, 3 काओ, अच्छा मतलब कलर लोग वाइट ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब S1X में। तो भाई ये वाली है अपनी ओला S1X, फाइनली अनरैप होते हुए, बस साइड मिरर लगेंगे और तो सब है ना। कितना 45% है बैटरी अभी, अच्छा रिवर्स भी है। ओ भाई ये तो खरीदने के बाद पता लगा फीचर। तो भाई ये फीचर अभी पता लगा रिवर्स वाला, ये तो क्रूज कंट्रोल हो गया, दो हैं। तो भी साइड मिरर लग रहे हैं भाई, उसके बाद अपनी रेडी हो जाएगी ओला ले जाने के लिए। तो मम्मी कह रही है भाई कवर भी ले जाते हैं, ढकने काम आएगा। ठीक है डिग्गी में डाल देंगे इसको, सफाई काम रहेगा, धूल मिट्टी तो नहीं आएगा। आप अरे चलाओ चलाओ चलाओ, ट्राई लो स्टैंड हटा के नॉर्मल स्कूटी की तरह चलानी है। तो भाई पापा को पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हुए एक्सपीरियंस। चलाओ चलाओ चलाओ, स्टार्ट करो पहले सेल्फ। हाँ दब, हाँ ब्रेक दबा के सेल, हाँ हो गया, अब रेस दो स्टार्ट कर दी, नॉर्मल लिखा आ गया होगा, चलो रेस दो अब हल्की हल्की, कम कम रेस देना है, एकदम भागती है। तो भाई पापा को समझ ही नहीं आ रहा अभी, हल्की हल्की लाओ हिसाब से, हाँ चलो ठीक है ठीक है, धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा, आराम से निकालो बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है मैं रोक लो यहीं पे एक बार, मैं चला लूँगा आगे। चलो भाई फाइनली, पापा को डर तो लग रहा है चलाने में पर चला ली। तो भाई फाइनली पापा ने चला लिया, अब हम लेके चलते हैं घर तक। बाकी एक साइड का साइड मिरर में थोड़े इशू वो हुआ, चूड़ी कसीन जा रही थी, बाहर से कसवा लेंगे। बाकी हेलमेट ला रखे थे पापा, तो हम चलते हैं अब। चलो
अच्छी भाग रही है कह रहा हूँ स्पीड। तो फाइन लगवा लिया भाई दूसरा साइड मिरर भी, अब अच्छी लग रही है ना, एक साइड की अजीब लग रही थी। अब चलते हैं, पापा भी रुक गए। हाँ ये भी कस दिया, चलो चले आ गए भाई लड्डू लेने के लिए और उसके बाद घर जाके पिठिया करने है स्कूटी है। तो अपना प्रसाद लेके चलते हैं। तो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं घर स्कूटी लेके। फाइनली कर लिया भाई पूजा पाठ और आ गई है सुन। कैसी लग रही है दक्ष? अच्छी है। ओके दक्षी भी आने वाली है, कब आ रही है? तीन चार दिन में। चलो तो भाई अब दो ओला होने वाली है पड़ोस में। तो इसमें एक फीचर है रिवर्स वाला है, वो मेरे को अभी पता लगी जब लेने के बाद। तो भाई रिवर्स का भी पता नहीं यार क्या सीन है, बाकी धीरे धीरे सीख जाएंगे अब तो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लेना। हाँ ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखेंगे, सही कह रहा है, बाकी हो ही नहीं रहा रिवर्स है। अब करो जब तो हो रही थी एक बार। हाँ तो सब तब से स्टार्ट नहीं करी जब ये स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा था। हाँ अब देखो जाओ चलो ये है आगे जा रही है। हाँ अब यहाँ से रिवर्स कैसे आएगी? रिवर्स है ही नहीं आ रही है। हाँ आ रही है तो वैसे जा रही है नॉर्मल। देख छोड़ो पीछे जा तो रही है यार, छोड़ने पे भी जा रही है हल्की हल्की। वही हुआ यस, अभी खड़ी कर देते बाद में देखेंगे। धूप हो रही है यार भीग के। पहले हो गए पूजा पाठ और प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया आस पड़ोस में। बाकी गर्मी भयंकर हो रखी थी यार, मैं तो अंदर ही आ गया। और स्कूटी का जो भी है बाकी रिव्यू आपको देंगे। अभी तो यार मज़ा आ रहा है चलाने में, उसमें नई नई चीज़ तो देखो मज़ा आता ही है, बाकी धीरे धीरे पता चलती हैं चीज़ें है ना तो कैसी है क्या है, बाकी वो भी रिव्यू आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल तो मतलब मैं 3 सेकंड में जो 40 किलोमीटर वाली बात है वो तो सच साबित हुई है, मैंने ट्राई करी थी तो उतनी तो भाग रही है अच्छी। और साइड मिरर भी हमने बाहर से लगवा ली क्योंकि यार वो उससे लगा चाबी से ना, हाथ से लगा नहीं अंदर शोरूम में, तो यूँ मत समझना कि वो चाबी लगा के नहीं देते, साइड मिरर लगा के देते हैं वैसे। सो ये मेन चीज़ रह गई यार चार्जर है जो, इसका वो दिखाया नहीं आपको। बाकी डिग्गी में क्या क्या है वो भी नहीं देखा हमने, तो देखते हैं यार अब डिग्गी चेक करते हैं एक बार। तो डिग्गी में एक तो साइड मिरर आए थे वो लगा दिए, एक ये कवर था यार बढ़िया चीज़ है ऐसे कवर लगाने के लिए ठीक है धूल मिट्टी से बचाने, और एक चार्जर ही है बस और तो कुछ नहीं है नया, बाकी सब नॉर्मल है। और ये क्या है, ये टूल होता है, टूल किट होगी बस। तो ये है भाई चार्जर बहुत भारी है यार इसका, तभी 5 घंटे में चार्ज करती है। तो भाई यही था बस डिग्गी में जो मैंने दिखाया आपको, चार्जर ये और जो भी था वो टूल किट होती है जो भी कहते हैं वही थी और कुछ नहीं था। बाकी यार मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाल दी ना बुक करी, उसमें कमेंट भी आ रहे थे यार कि बेकार है क्यों ली, वापस कर दो, मतलब जो भी पैसे रिफंड ले लो वो। तो मैंने कहा यार अब बुक कर दिया तो बेकार हो जाता है ना चीज़ें, अब ले लिया तो एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं, ऐसा नहीं है ना सबका ही रिव्यू खराब आएगा, कुछ अच्छी भी चलती होंगी चीज़ें। तो अब ठीक है देखते हैं हमारा नसीब में कैसे चलता है अभी, बाकी ठीक है बताएंगे आपको, रिव्यू देते रहेंगे इसका। सो भाई अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट काम, पानी लेने जाना है, जिसमें बड़ी आफत आ रही थी साइकिल में ले जाने में। तो अब यार डब्बे अपने इसमें साइकिल में आफत आ रही थी पापा को लाने में, तो वही ला रहे थे, अब स्कूटी है तो देखते हैं आगे डब्बे आ जाएंगे दोनों, लगा के देखियो। सो भाई दोनों डब्बे आ ही गए वैसे, कोई नहीं मैं पकड़ लूँगा तो पैर से मतलब आ जाएंगे खुद मिला के। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्कूटी और निकलते हैं। सो भाई पानी के डब्बे तो आ ही गए इसमें, बाकी दिक्कत आ रही है पर दो में, बाकी देखते हैं बड़ा डब्बा लेना पड़ेगा यार। सो भाई लेके तो आ गया मैं, डब्बे दोनों आ गई पर यार मतलब स्पेस थोड़ा सा नहीं बन पा रहा यार, पैर दुख जा रहे हैं, बाकी यूँ है कि बड़ा डब्बा लेना पड़ेगा एक। तो चलो ठीक है बहुत टाइम बाद लाया पानी आके, क्योंकि जब से स्कूटी नहीं थी तो साइकिल में पापा ही ला रहे थे, तो बहुत टाइम बाद आज लाया मैं पानी भर के। तो टाइम हुए 6:30 और अपने मामा जी आ रखे हैं। क्या नाम था आपका, क्या रखा था नाम? है बिजली विशेषज्ञ। तो मामा हमारे चेक कर रहे हैं कि कौन सा प्लग सही रहेगा ना चार्जिंग के लिए, भाई चार्जर भारी है ना बहुत। तो अब देखते हैं कौन से सॉकेट में लगा के चार्ज करेंगे हम। तो स्कूटी लगा दी अंदर, अब यहाँ से चार्जर का टेस्ट करना है, सीट में रखनी पड़ेगी 2 मिनट टेम्परेरी, फिर उसके बाद भी कैसे हो इसको रुको ऐसे बस अब लग जाएगा, कैसे लगेगा देख लो मुँह कैसे है ऐसे ही। अब ये चार्ज हो रहा है कैसे पता लग रहा है? तो भाई लाइट तो जल रही है वहाँ, अब चार्ज कैसे हो रहा है कैसे पता लगेगा? ये जो है ना फैन, हाँ ये तो ऊपर को होगा, फैन चलेगा चल रहा है, इसके अंदर पंखा है या फैन चलेगा इसको ऑन करोगे? अच्छा ऑन नहीं है अभी, आप करना हो गया, बटन दबाना पड़ेगा वहां से वो, हाँ वो है ना ये तो बंद हो गया अब चला।
पता लगे चार्ज करना ही नहीं आ रहा स्कूटी चला रहे पुल। तो ठीक है, देखो कैसे होएगा। वही तो बटन है, फिर और क्या है, वही तो है। सो भाई फाइनली चार्जिंग चालू हो गई है, पंखा भी चल गया है। दिक्कत थी इसको टाइट लगाना था हमने, पर हमने हल्के से लगाया हुआ था। तो फाइनली हो गया भाई, एक टाइम के लिए ना दिमाग खराब हो गया था कि चार्जर सही भी है कि नहीं, पता लगे खराब निकले चार्जर, क्योंकि आजकल रिव्यू भी ऐसे ही आ रहे हैं ओला के, पर नहीं सही है भाई, खाली हम दोस्त नहीं दे सकते। पहले अपनी गलती थी, हमने ढंग से लगाया था। तो भाई वीडियो कॉल करी हमने शोरूम पे भाई को, तो उनने भाई बताया कैसे क्या करना और चार्ज होने लग गई, तो तसल्ली हो गई। A few inches later. तो भी रात के 11 बजने वाले हैं और फाइनली अपना स्कूटी का सेटअप भी हो चुका है, भोजन भी हो चुका है, तो ऐसे लगा दी हमने ना, ताकि यहाँ से जगह भी हो जा रही है जाने के लिए ऊपर भी हर तरह के लिए। बाकी यहाँ चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पे बना दिया, तो अपना सही है ना, बाकी यहाँ से चार्ज कर दिया करेंगे। तो यूँ है भाई, थोड़ा जगह का मतलब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो चलिए यही था आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए जल्दी सब्सक्राइब कर ले, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, चलो। अरे यार ये भूखना शुरू हो जाते हैं वीडियो बनाते हैं हर बार का।